हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रेडियल मेजर ऑफ एन एंगल। जैसा कि आपको पता है, डिग्री मेजरमेंट अभी तक आपने पढ़ी हुई है। किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए आप यूज करते हो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। तो एंगल को मेजर करने की हमारे पास एक यूनिट और है, रेडियन। तो आज हम क्लास में पढ़ेंगे रेडियन क्या होता है और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री को रेडियन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेडियन है क्या, और जब हमारे पास एंगल को मेजर करने के लिए एक यूनिट ऑलरेडी है डिग्री, तो फिर इसकी हमें जरूरत क्या पड़ी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारा रोटेशनल मोशन होता है, तो रोटेशनल मोशन में जो हम एंगल को मेजर करते हैं वो रेडियन में मेजर करते हैं। जैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, काफी सारे यूनिट्स हैं, इसी प्रकार एंगल को मेजर करने के लिए भी यूनिट्स हैं। तो रेडियन भी एक हमारे पास यूनिट है एंगल को मेजर करने की, और ये किस तरह से काम करती है, किस तरह से हम एंगल को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन है क्या। तो उसके लिए हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा रोटेशन जो है सर्कुलर मोशन में है, मान लीजिए हम यहां ये रेडियस इसकी आर है, एक सर्कल है आर रेडियस का। तो जब हम मोशन करते हैं और ए से बी पॉइंट पर पहुंचते हैं, ए से हम अगर बी पॉइंट पे पहुंचते हैं, तब हम कहते हैं कि अगर ये जो हमारी आर्क है, अगर ये रेडियस के इक्वल है, अगर ये रेडियस के इक्वल है, तब हम इस एंगल को कहते हैं, जो ये हमारा एंगल है थीटा, हम इसे बोलते हैं 1 आर। मीन्स ये 1 रेडियन, इसे बोलते हैं 1 रेडियन। तो ये एंगल हमारा कितना हुआ, 1 रेडियन। ये थीटा जो है एंगल हमारा, ये रेडियन में मेजर होगा अगर ये हमारे पास क्या बोलते हैं, अगर ये हमारे पास रेडियन में अगर हमें मेजर करना है, तो इस प्रकार होगा। ये लेंथ ऑफ आर्क होती है, लेंथ ऑफ आर्क अगर 1 रेडियस के इक्वल है, 1 आर जो इसकी रेडियस है, तो हम इसे बोलते हैं एंगल को ये 1 रेडियन का है। इसी तरह से अगर हम बी से सी पॉइंट पर पहुंचे और ये भी आर है, तो आर प्लस आर 2 आर, जब हमारी लेंथ ऑफ आर्क ये हुई 2 आर के इक्वल, 2 रेडियस, तो इसे हम बोलते हैं 2 रेडियन। ये क्या हुआ, हमारा एंगल जो मेजर होगा ये होगा 2 रेडियन, इसे बोलेंगे हम 2 रेडियन। ऐसे ही एल इक्वल टू 3 आर, एल इक्वल टू 4 आर, इस प्रकार से ये हमारा रेडियन में एंगल मेजर होता है, जिस प्रकार ये हम यहां पर मूव करेंगे सर्कल पे। तो यहां पर हमारा 1 रेडियन का एंगल हुआ। इस कंडीशन में जो एंगल होगा ये 2 रेडियन होगा, इसमें 3 रेडियन, और इसमें क्या होगा हमारा 4 रेडियन। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये रेडियन बन के आया। अब हम देखते हैं कि अगर ये पूरी जो डिस्टेंस होती है, पूरा सर्कल, ये कितना होता है हमारे पास 2 पाई आर, पूरी सर्कमफेरेंस होती है इसकी हमारे पास, वो कितनी होती है 2 पाई आर। तो ये जो है हमारा ये एंगल है, ये 1 रेडियन का एंगल, 2 रेडियन, 3 रेडियन और 4 रेडियन। तो ये हमारा टोटल क्या हुआ, ये एंगल हुआ थीटा, ये थीटा है 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन और 4 रेडियन, जो रेडियस के इक्वल हमारा चलता है। तो अब हम देखते हैं कि जो थीटा है, ये थीटा हुआ हमारा, लेकिन किसमें, रेडियन में। जो थीटा जो है हमारा ये रेडियन में है, तो ये आर के नीचे आ जाएगा, तो कितना बनेगा ये हमारा एल अपॉन आर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, एक थीटा इन रेडियन, ये होता है हमारा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो इस प्रकार हमारे पास जो है वो रेडियन दो वर्ड है, इस तरह से हमारे पास आया। अब हम देखते हैं कि अगर ये पूरा इस सर्कमफ्रेंस पर मूव कर जाए हमारा पॉइंट,
तो क्या होगा, थीटा रेडियन 2 पाई R अपॉन R, मींस ये जो है L इक्वल कितना आ गया हमारा 2 पाई R, तो R से R कट गया 2 पाई। इट मींस कंप्लीट रेवोल्यूशन, पूरा एक राउंड लगाने के बाद जो हमारा रेडियन थीटा में आएगा वो कितना आएगा 2 पाई। यहां पर देखने वाली बात है, हम रिलेशन निकालेंगे बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो जब हमारा जो एंगल है, जो हमारा ये पॉइंट जब पूरा इस सर्कल पर मूव कर जाएगा, तो मूव करने के बाद एक पूरा रेवोल्यूशन जब हमारे पास ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो डिग्री में एंगल कितना आएगा 360 डिग्री। तो इट मींस यहां पर मैं ये थीटा के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे फिर, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। इट मींस 360 डिग्री एंगल जो होता है वो रेडियन में 2 पाई के इक्वल होता है। और ध्यान रखना जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.14 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पाई रेडियन है हमारे पास, एंगल जो है वो पाई में, पाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये पाई केवल 3.14 180 डिग्री के होता, सिर्फ इसी में होता, और कहीं पर ही पाई को 3.14 के प्लेस पर हम 180 डिग्री पुट नहीं करेंगे, वहां पर 3.14 ही रहेगा। लेकिन जब एंगल मेजर करते हैं तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। यानी इसका मतलब हुआ कि कोई भी एंगल जो रेडियन में होगा उसमें पाई की वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल होगी। अब हम देखते हैं पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 3.14 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन 3.14, इसको डिवाइड करते हैं हम। तो इसको डिवाइड करने के बाद जो ये हमारे पास आएगा, ये आया हमारे पास 57.3 डिग्री अप्रोक्सीमेट। तो जो 1 रेडियन है हमारा वो 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन है। तो अभी मैं दोबारा एक्सप्लेन एक बार और करके दिखाता हूं कि जब हमारे पास जो मोशन होती है वो रोटेशनल मोशन होती है, तो तब जो हम एंगल को मेजर करते हैं वो रेडियन में मेजर करते हैं। आपने पढ़ा होगा MKS सिस्टम, मीटर, किलोमीटर, सेकंड, जो भी होता है वो, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी उस में जो हमारी एंगल की यूनिट होती है वो रेडियन होती है। तो अब जब हमारा पॉइंट इतना मूव करे, जितनी भी उसकी रेडियस है उतनी लेंथ ऑफ आर्क अगर वो मूव करता है, तब ये एंगल होता है हमारा 1 रेडियन के इक्वल। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री अप्रोक्सीमेट। तो अब यहां से हमारे पास एक रिलेशन बन के आई है रेडियन और डिग्री की, ये हमें याद रखना है, लेकिन हमें यूज जो है वो इसको करना है। तो अब मैं यहाँ पर कुछ एंगल्स आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास जो 11th क्लास या उससे 12th आगे जाकर के जो एंगल्स होते हैं वो मोस्टली हमें रेडियन की फॉर्म में मिलते हैं, पाई की फॉर्म में। तो उन्हें कैसे कन्वर्ट करते हैं अब मैं आपको वो सिखाता हूँ। सिंस पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। तो जब हमें रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो तो 180 डिग्री अपॉन पाई का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मैं कुछ एंगल्स को आपको मेजर करके दिखाता हूं, और ऐसे ही आप देखिए 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन। अगर डिग्री को रेडियन में हमें चेंज करना है, अगर हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमें रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो
हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, एंगल की जो प्रॉपर मेजरमेंट होती है, मान लीजिए थीटा है, ये होता है हमारे पास एक्स डिग्री, वाई मिनट और जेड सेकंड। डिग्री के अंदर भी कंप्लीट मेजरमेंट हमारे एंगल की ये होती है, एक्स डिग्री, वाई मिनट एंड जेड सेकंड। तो यहां पर आप एक चीज और नोट कर लीजिए कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट के इक्वल होता है और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड के इक्वल होता है। ये ध्यान रखना, मैं आपको अभी बता रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज 12th क्लास में भरपूर है। भरपूर मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर डिपेंड कम्स 80% अप्रोक्सीमेट 80% सिलेबस 12th क्लास का आपका ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड करता है। तो ट्रिग्नोमेट्री को जितना भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जितना भी अच्छा कर सकते हो, आप ट्रिग्नोमेट्री में उतनी मेहनत कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 12th। अगर आपका चैप्टर 11th में ये वीक रह जाता है तो मैं आपको बताना वाला हूँ कि 12th क्लास में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत अच्छे से करनी है। अब आइए, किस तरह से हम डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में हम कन्वर्ट करेंगे। तो अब आप देखिए, 60 डिग्री, पहले हम डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं। 60 डिग्री में हमें देखना है कितने रेडियन होंगे, 60 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। तो रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 180 से मल्टीप्लाई। तो 60 × π/180 रेडियन, π/3 रेडियन। तो 60 डिग्री किसके इक्वल आया हमारा, π/3 रेडियन के इक्वल आया। 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3 रेडियन। इसी तरह से 30 डिग्री, 30 × π/180 रेडियन, क्योंकि हमें डिग्री से, अगर डिग्री से रेडियन बनाना है तो ये, और अगर रेडियन से डिग्री बनानी है तो नीचे वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अभी देखिए, 30 डिग्री कितना बनाइए, π/6 रेडियन। तो अभी और भी हम चेंज करके देखते हैं। वीडियो को पॉज करना और नोट्स बनाना, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आपको सुनना है ध्यान से और नोट करना है कॉपी में अच्छे से। तो फिर दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका 11th क्लास का, और जिस पे डिपेंड करता है आपका 12th क्लास का सिलेबस। तो अगर आपका 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री वीक रह जाती है तो आपको बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है 12th क्लास में। तो नेक्स्ट देखिए, हमको 120 डिग्री को हमें चेंज करना है रेडियन में। तो जब भी डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना हो तो आपको सिर्फ π/180 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये आपका आ गया 2π/3 रेडियन। 45 डिग्री, तो 45 × π/180 इज इक्वल टू, तो 45 डिग्री इक्वल टू π/4 रेडियन। ऐसे आपको 135 को चेंज करना है, 135 × π/180 ये आएगा आपका 3π/4 रेडियन। 135 डिग्री इक्वल टू 3π/4 रेडियन। और ये पाई की वैल्यू आप कितनी पुट करोगे, 3.14 आपको पुट करनी है। तो
आप कितने भी किसी भी डिग्री को आप रेडियन में चेंज कर सकते हो पाई अपॉन 180 पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन अगर हमारा जो एंगल है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ हुआ तो फिर हम कैसे करेंगे, जैसे एक्स डिग्री उसमें मिनट्स भी है और उसके अंदर सेकंड भी है। तो अब मैं आपको चेंज करना सिखाऊंगा कि डिग्री इस प्रकार जो इस तरह की डिग्री होती है एंगल मेजरमेंट उसको रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ। ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल होते हैं, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120, 135, 360, 225, 180, 270, तो ये एंगल्स 90 डिग्री, तो ये एंगल्स हमें याद होने चाहिए कि रेडियन में कितने होते हैं। अगर याद नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चेंज करके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश ये करनी है हमें कि ये एंगल जो है हमारे याद हो जाए कि डिग्री को रेडियन, किसी भी डिग्री की रेडियन में वैल्यू क्या होती है। याद करने से फायदा क्या होगा कि हमारा क्वेश्चंस करने में टाइम कम लगेगा, नहीं तो फिर हमें वो चेंज करके देखना पड़ेगा कि ये कितने डिग्री का है या कितने रेडियन का है। तो अभी मैं आपको लिस्ट बना देता हूँ छोटी सी, जिसमें सभी एंगल्स रेडियन में होंगे काफी, जो भी आपको स्टैंडर्ड एंगल जो ज्यादा यूज होते हैं। तो नोट करिए जरा उसको, वीडियो को पॉज करके सारा। तो आप देखिए, ये तो हमें पता ही है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 90 डिग्री को हम बोलते हैं पाई अपॉन टू रेडियन, और 360 जो कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। इसके बाद 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री, 270 डिग्री। तो ये एंगल की जो रेडियन में वैल्यू है अगर हमें याद रहेगी तो बहुत अच्छी बात है, इससे हमारा टाइम क्वेश्चन को सोल्व करने में कम लगेगा। तो अभी हम देखते हैं, 30 डिग्री हमारा होता है पाई अपॉन 6 रेडियन के इक्वल, 60 डिग्री हमारा होता है पाई अपॉन 3 रेडियन, 45 डिग्री हमारा इक्वल होता है पाई अपॉन 4, 120 डिग्री होता है हमारा 2 पाई बाई 3, 135 होता है हमारे पास 3 पाई बाई 4 रेडियन, 225 होता है हमारे पास 5 पाई बाई 4 रेडियन, और 270 हमारे पास होता है 3 पाई बाई 2 रेडियन। वैसे तो हम इस 180 से मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर याद है तो ज्यादा सही है। तो अभी जो हमने डिग्री को रेडियन में चेंज किया है वो प्रॉपर डिग्री थी। अब ये प्रॉब्लम कब आती है, जब जो हमारा एंगल होता है वो डिग्री, मिनट और सेकंड की फॉर्म में होता है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन नोट करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास, अभी आप देखिए क्वेश्चन हमारे पास, -47 डिग्री 30 मिनट्स, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हमारा जो कंप्लीट एंगल है वो डिग्री में होना चाहिए। जैसे वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा प्रॉपर डिग्री में, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से, तो वो हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में कितने डिग्री हुए, 1 अपॉन 60 डिग्री। तो ये जो डिग्री में हमें चेंज करना है मिनट को, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 1 अपॉन 2 डिग्री। 60 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 अपॉन 2 आएगा, तो ये कंप्लीट डिग्री बन गई हमारे पास। अब एलसीएम ले लेंगे हम, कितना आएगा ये 95 अपॉन 2 डिग्री, 95 अपॉन 2 डिग्री, ठीक है।
अब ये हमारे पास कंप्लीट डिग्री में है, तो अब इसको रेडियन में चेंज कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, रेडियन में चेंज करने के लिए हम एंगल को सिंपल पाई अपॉन 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और अब आपकी कैलकुलेशन जो आप कर सकते हो, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। तो -47 डिग्री 30 मिनट्स जो है हमारा वो रेडियन में इक्वल होगा -19/72 पाई के इक्वल होगा। ऐसे ही अगर इसमें यहां पर सेकंड भी होता है, अगर सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करिए 60 से डिवाइड करके, फिर 60 से डिवाइड करके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूं आपको अभी। फोर्टी फाइव डिग्री 30 मिनट और 20 सेकंड। अब आप देखिए यहां पर ये आपका 30+1/3 कन्वर्ट हो गया हमारा, ठीक है। ये इसको 60 से डिवाइड किया हमने तो ये आ गया तुम्हारा 91/3 मिनट्स। अब ये तुम्हारा बन जाएगा 45+90, इसको 60 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये 180, ये तुम्हारा आ गया। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके 91 प्लस कर देंगे तो ये हमारा पूरा कंप्लीट डिग्री बन जाएगा। और कंप्लीट डिग्री बनने के बाद अब हम इसके अंदर पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करिए और यहां पर इसे नोट करिए। अब हम अभी इससे पहले हमने डिग्री को रेडियन में चेंज किया था कि डिग्री मेजरमेंट रेडियन में कितनी होगी, अब हम रेडियन में जो मेजरमेंट है अब नाउ हम उसे चेंज करेंगे डिग्री में। तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम इसके लिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास 11/16। इलेवन अपॉन सिक्सटीन को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में और ये अभी हमें रेडियन में गिवन है। तो मैंने आपको बताया था कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई। तो अभी हमें चेंज करना है इसको रेडियन में, तो क्या करेंगे, जब हम डिग्री से रेडियन बनाते हैं तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं और रेडियन से हमें क्या बनानी है, डिग्री। जब हम रेडियन से डिग्री बनाएंगे तो अभी हमें मल्टीप्लाई करनी होगी 180 अपॉन पाई से। अब आप पाई की वैल्यू डाल दीजिए, पाई की वैल्यू 3.14 भी लिख सकते हो, 22/7 भी आप यूज कर सकते हो। तो अब यहां पर पाई की वैल्यू जब हम पुट करेंगे अभी डिग्री हट जाएगा और रेडियन बन गया ये, डिग्री ये बना हमारा 315/8 डिग्री। लेकिन हम आंसर अपना इस फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन में आया, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर मिनट्स भी है और इसके अंदर हमारे पास सेकंड भी है। तो अभी हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो हमारा प्रॉपर बन के आएगा वो डिग्री और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसको हम सेकंड और फिर मिनट्स और फिर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अभी हम देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी आप देखिए ये बना हमारे पास 39/3/8 डिग्री। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 39 डिग्री तो हमने अलग से लिख दिया, जो प्रॉपर विदाउट फ्रैक्शन में बन गया, प्रॉपर बन गया ये हमारा। अब जो ये 3/8 डिग्री है, 3/8
डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट। तो इसमें अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा मिनट्स बन जाएगा। मिनट्स बनने के बाद हम इसके अंदर भी थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे। ये बना हमारा 45/2 मिनट्स, लेकिन ये भी फ्रैक्शन में है तो अभी इसको भी कन्वर्ट करेंगे। जब हम 45 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हमारा बना 22/2 मिनट्स। तो इसके अंदर भी प्रॉपर हमारे पास 22 मिनट्स तो बन गए। अब जो ये हाफ मिनट बचा, हाफ मिनट में भी हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा सेकंड बन जाएगा। तो ये आंसर आपका आया 39 डिग्री 22 मिनट्स और 30 सेकंड। तो इस तरह से हम रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हैं। एक बार आप जरा और देखिए, 16/π वी हैव टू कन्वर्ट दिस एंगल इन डिग्री मेजरमेंट। तो डिग्री मेजर में हम इसको कैसे चेंज करेंगे? तो अभी आपने देखा π/16 रेडियन में हमने मल्टीप्लाई की 180/π से, क्योंकि 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री/π। तो अभी हमने इसमें मल्टीप्लाई की तो ये रेडियन बन गया, प्रॉपर फ्रैक्शन में आया। तो फ्रैक्शन में आंसर नहीं छोड़ना है, उसको डिवाइड करना है आपको। डिवाइड करने के बाद ये आएगा 39/3/8। अब इसके अंदर प्रॉपर जो हमारे मिनट्स हैं 39 हुए, और जो फ्रैक्शन में मिनट्स बने, सॉरी डिग्री बनी हमारी 3/8 डिग्री, हमने उसमें 60 से मल्टीप्लाई करके उसकी मिनट्स बना लिए। मिनट्स बनाने के बाद ये फिर फ्रैक्शन में आ गया, उसको फिर डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद जो आपका क्वेश्चन आएगा 22, ये तो प्रॉपर आपके, सॉरी 22 आएगा यहाँ पे, ये हमारे मिनट्स बन चुके हैं। और यहाँ पर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो हमारे पास हाफ मिनट बचा उसमें भी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी अगर इसके बाद भी हमारे पास फ्रैक्शन बचती है तो इसके आगे की जो मेजरमेंट है वो हमारे यहाँ फिलहाल नहीं है, इसके आगे फिर हम अप्रोक्सीमेट अपना आंसर छोड़ देंगे। तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, इसमें हम अप्रोक्सीमेट अपना आंसर छोड़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। यहां पर देखिए, फाइंड द डिग्री मेजर्स कोरस्पोंडिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स -4 रेडियंस। तो -4 रेडियंस को हमें कन्वर्ट करना है कि इसकी डिग्री में मेजरमेंट कितनी होगी। तो -4 रेडियंस इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से। पाई की आप वैल्यू पुट कर सकते हैं 22/7। ये तुम्हारा आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 14 × 18, ये आपका अप्रोक्सीमेट जो बनेगा 14 × 18, ये आपका आएगा टोटल मल्टीप्लाई होने के बाद 2520/11 डिग्री। प्रॉब्लम वही आ गया हमारे सामने, फ्रैक्शन में आ गया है तो अब इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ वी हैव टू डिवाइड देन कन्वर्ट इट इनटू डिग्री। तो हमको डिवाइड जब हम करेंगे तो देखते हैं क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या बचता है। जब हमने 11 से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास ये बना 229/1/11 डिग्री। तो इसमें प्रॉपर डिग्री हमारी कितनी बन गई है 229 डिग्री। और ये जो हमारा 1/11 है, 1/11 × 60, ये बन गया हमारे पास मिनट्स। अब हमें 60 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आया। अब आप देखिए, ये तो बना हमारा 5 मिनट्स, और जो 5/11 है, 5/11 × 60 सेकेंड, अब ये बना हमारा 300 × 11। अगर हम 300 को 11 से डिवाइड करेंगे
तो अभी ये हमारे पास 3/11 फिर बच गया। 3/11 बहुत छोटा क्वांटिटी होगी, वो भी सेकंड के अंदर। तो हम इसको अप्रोक्सीमेट आंसर लिख देंगे। हम अब हम इसको 3/11 को कोई लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 27 लिखना है। तो ये आपका आंसर आ गया -229°5" and 27" approx। तो इस प्रकार से हम रेडियन से हम अपनी डिग्री बनाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं हम। जो आज की हमारी क्लास थी वो फिलहाल आज हम इतना ही लेके चलेंगे। आज हमने सीखा कि रेडियन क्या होता है, रेडियन कैसे आया, रेडियन की वैल्यू डिग्री में कितनी होती है। फिर हमने कन्वर्ट किया था डिग्री को रेडियन में, और फिर रेडियन में मेजरमेंट को हमने डिग्री में चेंज किया था। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही। अभी आप वीडियो को पॉज करिए, सब नोट करिए, और एक्सरसाइज में जो कुछ क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व करिए। पहली 3.14 एक्सरसाइज है, उसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड टू डिग्री एंड रेडियन में ही है। तो आप उनको चेंज करिए, कन्वर्ट करिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उससे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही लेके चलते हैं।